बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैंगन और आलू की सब्ज़ी तैयार करने लगे हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। ये हम ऑयल शामिल करेंगे, ऑयल हमारा गर्म हो गया। ये बड़े साइज़ का हमने एक प्याज लिया है, प्याज शामिल कर देंगे। ये हमने बैंगन लिए हैं, ये ऊपर का हिस्सा इनका हमने इनका काट लिया है। इनको हम क्यूब्स की शक्ल में काटेंगे। साथ साथ इन्हें हम पानी में गीला कर देंगे क्योंकि इनका कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह सारे बैंगनों को हम काट लेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे एक चम्मच। लहसुन भी हमारा प्याज में अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब इसमें हम टमाटरों का पेस्ट शामिल करेंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। कलौंजी हमने आधा चम्मच लिया है, अजवाइन एक चुटकी, सौंफ आधा चम्मच, नमक हसबे ज़ायका, सुर्ख मिर्च एक चम्मच, गाढ़ा मिर्च आधी चम्मच, हल्दी आधी चम्मच, एक चम्मच ज़ीरा, ये कलवंजी और सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में, बैंगन और ख़ास तौर पे करेले की सब्ज़ी में। मसाले को अच्छी तरह भून रहे हैं। ये मसाले में हम अपनी सब्जी ऐड करेंगे। ये आलू हमने पहले से ही पानी में गीले कर दिए थे, कटिंग करके ये शामिल करेंगे इसमें। सब्ज़ी को मसाले में अच्छी तरह भूनेंगे पहले कुछ देर। सब्ज़ी हमारी भून गई है, हल्की आंच पे इसको हम दम दे देंगे। इस पे सब्ज़ मिर्च डालेंगे और इसको थोड़ी देर भूनेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इस पे। बैंगन हमारे अच्छी तरह गल गए, अगर आप मज़ीद इनको
गलाना चाहते हैं और गला सकते हैं। हमने ज़रा ये खड़े खड़े रखे हैं, ये बैंगन हमारे तैयार हो गए। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। ये हमारी मज़ेदार सी बैंगन की सब्ज़ी तैयार है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।